सिंह की फिल्म जो कि लंदन में शूट हो रही है और उसमें पवन सिंह का लुक कैसा होगा, तो हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल ने अपने स्टार का यानी कि पवन सिंह का लुक रिवील किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। आप देखिए कि पवन सिंह का ऐसा लुक होगा। साथ ही साथ इस फिल्म में मधु शर्मा और शहर अफसा ये दो अभिनेत्रियां होंगी। कुछ कुछ याद आया आपको माँ तुझे सलाम? जी हाँ, ये वही फिल्म है जहां पर मधु शर्मा अक्षरा सिंह थी और लंदन में ही शूटिंग हुई थी। याद आया, सेम यही कंडीशन इस वक्त भी है, लेकिन स्टोरी अलग है और सब कुछ चेंज है। इसमें लव ट्रायंगल दिखेगा ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ दो हीरोइने एक हीरो है। वैसे भी भोजपुरी में कॉमन हो चुका है दो हीरोइने एक हीरो। हर एक फिल्म में आपको हर एक दूसरी फिल्म में दो हीरोइन एक हीरो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ दो हीरो और एक हीरोइन को प्यार करने वाली फिल्में नहीं है। यहाँ हीरो को कई लोग प्यार करने वाले होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म को पराग पाटिल डायरेक्ट कर रहे हैं और यशी फिल्म का बैनर है, तो आप समझ सकते हैं कितना लार्जर देन लाइफ बनने वाली है ये फिल्म। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फिल्म एक सोशल मैसेज को लेकर होगी। जी हाँ, सोशल मैसेज को लेकर फिल्म होगी, क्योंकि पराग ऐसी ही चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। फिर वो चाहे उनकी फिल्म कलाकार हो, या फिर उनकी फिल्म संघर्ष हो, या फिर लिट्टी चोखा की बात हो, हर में पराग पाटिल ने बहुत ही उम्दा डायरेक्शन का, जो एक डायरेक्टर की पदवी है, वो निभाई है। और साथ पहली बार वो पवन सिंह के साथ नज़र आएंगे काम करते हुए। आप कितने एक्साइटेड हैं? भाई हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पवन सिंह के एक एक्शन हीरो माने जाते हैं और पवन सिंह के साथ एक इमोशंस लोगों का अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में पवन जब कोई सोशल मैसेज देती हुई फिल्म करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर पैक्ड फिल्म होगी। वैसे पवन सिंह इन दिनों लंदन में है और खेसारी बिहार में है, और खेसारी जल्द ही पवन सिंह को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी भी फिल्म की शूटिंग लंदन में ही होगी। उनके फिल्म में काजल राघवानी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी और रजनीश मिश्रा उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।